अब आई जो है, आई में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्या हो सकता है, तो ये जो है ये सिंगुलर भर भी लेता है आई, और ये प्लुरल भर भी लेता है, लेकिन कब? अब ये आई के साथ कभी एम, तो एम क्या है, एम तो प्लुरल वर्ब है, सॉरी सिंगुलर वर्ब है एम, है कि नहीं? अब आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पर जो डू जो लिखे तो डू कैसा वर्ब है, ये तो प्लुरल वर्ब है, तो कभी सिंगुलर तो कभी प्लुरल, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है ना? तो आई के साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब भी आता है, ठीक है, वर्ब, और आई के साथ जो है वो प्लुरल वर्ब भी आएगा, ठीक है। तो आई के साथ जब सिंगुलर वर्ब आएगा, तो जैसे एग्जांपल, तो एग्जांपल हो गया आई, और आई के साथ एम जो लिखते हैं, तो एम ये क्या है, एम तो हमारा सिंगुलर वर्ब है ना, है कि नहीं? अब यहाँ पर आई लिख देते हैं, और डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब यू डू नॉट, अब प्ले, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, अब आई, आई के साथ कैसा वर्ब लग गया, ये तो लग गया हमारा प्लुरल वर्ब, है कि नहीं? तो ये प्लुरल वर्ब लग गया, और ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब ले लिया प्लुरल, है ना? तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ता है। अब इसमें जो है और भी, जैसे यहाँ पर सिंगुलर है, तो कभी कभी जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो उसमें दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा, तो उसमें क्या होगा कि एम प्लस जब नोट आ जाएगा, ठीक है, तो ये सिंगुलर जो है वो प्लुरल हो जाता है, तो इसमें लिखना पड़ता है आरंभ, और ऐसा ज़्यादातर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, ठीक है। ये दो सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है, अब इसमें आपको बताना है कि इसके बाद जो भर्ब आएगा वो कैसा भर्ब आएगा या कौन भराएगा, तो यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है इज और आर, इसमें फिल करना है, ठीक है। और इसमें जो है इसमें आपको फिल करना है वाज और वर, ठीक है, ये दो सेंटेंस है, और आपको बताना है कि इसमें होगा क्या। तो देखिए इसमें जो है कि इज भरे कि आर भरे, ठीक है, तो ये डिसाइड बाद में पहले करेंगे, पहले एक रूल पढ़ लेते हैं, यहाँ पर एक रूल जनरेट होगा, वो क्या रूल है वो पहले समझिए। तो जब सिंगुलर नाम, ठीक है, जब सिंगुलर नाम और यानी दो सिंगुलर नाम, ठीक है, दो सिंगुलर नाम एंड से कनेक्टेड हो, ठीक है, दो सिंगुलर नाम यदि एंड से कनेक्टेड हो, तो उसके और ये जो है, और ये जो है वो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लुरल ही आएगा, ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ हो गया कि दो सिंगुलर नाउन यदि एंड से कनेक्टेड हो और ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हो, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा ये हमेशा प्लुरल वर्ब ही लेगा, ठीक है। इसके साथ जो है क्या आ जाएगा, प्लुरल वर्ब आ जाएगा। अब प्लुरल वर्ब इसमें देखते हैं कि कौन है, तो इज तो हमारा सिंगुलर वर्ब है कि नहीं, आर कैसा है, तो आर हमारा प्लुरल वर्ब है, तो यहाँ पर जो है वो आर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया सही। तो हमने रूल क्या पढ़ा, हमने रूल ये पढ़ा कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्टेड होता है और वो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट होता है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट ही ना हो गया, ठीक है, सीता एंड सोनी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, तो दो सिंगुलर नाम है, ये सिंगुलर नाउन है और ये भी सिंगुलर नाम है, ठीक है, नेम है, नाउन है, सिंगुलर है, तो दो सिंगुलर नाम एंड से कनेक्टेड है, बीच में एंड है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या आएगा, प्लुरल वर्ब आएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल हो गया, ठीक है। अब सेकेंड की बात करते हैं, अब सेकेंड है कि इफ आई खाली स्थान ए बर्ड, आई वुड फ्लाई लेकिन आई एम नॉट, ठीक है, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ पाता, लेकिन मैं हूं नहीं, कोरी कल्पना है, ठीक है, अनफुलफिल्ड डिजायर है, अनफुलफिल्ड कंडीशन है, अनफुलफिल्ड विश है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए, तो इसके बाद जो अब रूल, अभी नहीं, अब रूल क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो रूल सेकेंड, अब यहाँ से सेकेंड रूल क्या है कि यदि इफ के बाद सब्जेक्ट हो और उसके बाद वर्ब जो आएगा
वो हमेशा प्लुरल वर्ब आएगा, ठीक है, लेकिन कब, जब इस इफ से अनफुलफिल्ड डिजायर विश या कंडीशन का बोध हो तब, द अनफुलफिल्ड, ठीक है, फुलफिल्ड डिजायर, ठीक है, विश और कंडीशन, ठीक है। तो जब इस सेंटेंस से अनफुलफिल्ड डिजायर का बोध हो रहा है कि नहीं, ठीक है, इस सेंटेंस ही से पता चल रहा है ये फॉल्स है। अगर मैं पक्षी होता हूँ नहीं, होता तब ना, हूँ नहीं, ठीक है। तो इसके बाद जो भर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लुरल भर्ब आएगा, ठीक है, प्लुरल भर्ब हमेशा लगा, और वो भी कैसा प्लुरल होता है, हमेशा ये लगा वरिंग, ठीक है, ये वर भर्ब जो है वो आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा वर, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये हो गया आपका सेकंड रूल हो गया। फर्स्ट रूल तो बहुत ही अच्छे समझ में आया, सेकंड रूल भी आशा है कि बहुत ही अच्छे से आया होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अब गलती होगा, अब गलती हो सकता है कब, अब यहाँ पर इफ जो है, अब इफ जो है और इफ के बाद सब्जेक्ट हो, और यहाँ पर जो है वो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार अब बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार अब वर्ब आएगा, लेकिन कब। अब यहाँ पर तो अनफुलफिल्ड डिजायर था तब ना आया प्लुरल, लेकिन इससे जो है, इसी से अगर रियल कंडीशन का पता चल रहा है, अगर वो सेंटेंस है और वो रियल है, ठीक है, सही है, ये तो फॉल्स था, अगर सही होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेगा, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वो वर्ब भी टेक्स्ट प्लेस करेगा।